हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती, मोटिवेशनल कॉर्नर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मतलब ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप लोग का स्टडी तो अच्छा ही चल रहा होगा, और मेरा भी स्टडी ठीक ठाक चल रहा है। उतना अच्छा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं आज बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। करीब करीब 10 दिन हो गए हैं ब्लॉग डाले हुए, और इसलिए मैं इतने दिन बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैंने ट्रैवलिंग के पहले भी बोला था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, और ट्रैवलिंग करने के बाद और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो होता है ना कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, थोड़ा लेजीपन भी आ जाता है। तो इसी वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने फिर से नई शुरुआत के साथ एक नया ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या स्टडी किया है इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टडी किया है, जो कि हमारा पहला है नोट्स से। मैंने अपना नोट्स को स्टडी किया सबसे पहले। हैंड रिटन मेरा नोट्स है ये, और ये पॉलिटी का नोट्स है। और पॉलिटी में भी मैंने आर्टिकल्स को सिर्फ पढ़ा है। इसमें आर्टिकल्स का मैंने अलग नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स अलग बनाया और लॉन्ग नोट्स अलग बनाया हुआ है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ कि शायद इससे भी इजी मिल जाए तरीका, जिससे हमको मुझे पढ़ने में और भी इजी लगे, आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे स्टोरेज करके रख सकूँ ब्रेन में। तो मेरा यहाँ पे नोट्स ऑलमोस्ट स्टडी होने ही वाला है। तो मेरा स्टडी हो चुका था और मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने नाश्ता बनाया था यहाँ पे। रोटी और ये मेरा फेवरेट पनीर का सब्जी है। तो चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, मतलब नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट। तो फिर मैं यहाँ पे खाना खाने आ गई, और पुट्टू बहुत बदमाशी करता है। उसको अगर खाने के टाइम कुछ नहीं दो तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। ये देखिए वो बोल रहा है हमसे खाना दो। तो मेरा खाना हो गया और फिर से मैं स्टडी करने आ गई। तो यहाँ पे जो मैं बुक स्टडी कर रही हूँ, ये मैंने इस बार जो मैं दिल्ली गई हुई थी उसी टाइम मैंने लाया है। उस टाइम मैंने बहुत सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज और बुक लाया वहाँ से, ताकि मुझे मतलब जब मैं प्रीलिम्स बैठूँ तो इस बार और अच्छे से तैयारी करके बैठूँ। मुझे ऐसा लगा कि पिछले बार मेरी उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी नोट्स और बुक की कमी के कारण, इसलिए मैंने वहाँ से अच्छा खासा बुक लेकर आई हूँ। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं उसका भी आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक लाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है जो, सॉरी, यहाँ पे मैं जो बुक रीडिंग कर रही हूँ, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गया। तो मैं यहाँ पे जो बुक रीडिंग कर रही हूँ, ये हमारा पर्यावरण परिस्थितिक है, ये आपका इन्वायरमेंट का बुक है। इससे मैंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया है इस बुक को, और ये नया बुक है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि नया बुक एक्साइटमेंट में बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा बुक है, ये रियली में इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसमें, और बहुत बहुत ही ईजी वे में लिखा हुआ है कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी लगे। इस बुक में मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मैंने प्रकाश संश्लेषण, जल चक्र, दो तीन टॉपिक मैंने इसमें पढ़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मेरा स्टडी हो गया है ख़त्म, और फिर से मैं दूसरे बुक को स्टडी करने आ गई थी क्योंकि इसके बाद जस्ट मुझे जॉब पे जाना था। 3 से 7 मेरा जॉब रहता है इवनिंग में। तो गाइस मैं यहाँ पे जो पढ़ रही हूँ आपका, वो है मेरा एनसीईआरटी का 10th क्लास का बुक है, आर्थिक विकास की समझ, जो कि इकोनॉमी का बुक है मेरे पास, क्लास 10th का है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बुक मेरे पास नहीं थी, तो इसे भी मैंने दिल्ली से ही लेकर आई हूँ। और आप लोग कमेंट्स करके अगर बोलिएगा तो मैं सारे बुक का रिव्यू दे दूँगी, जो कि मैंने नया नया बुक लेकर आई हूँ, और बहुत ही सिलेक्टिव बुक लाई हूँ जो कि ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है वो बुक मैं नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादा बुक, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आप उसे ज़्यादा याद रखते हैं। और मतलब 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक पढ़ो। हर एक टॉपर का ये सजेशन होता है, और मेरा भी यही सजेशन है। मैंने खुद में भी ये देखा, जहाँ तक मैंने ग्रेजुएशन किया, इंटर किया है, 12th किया, एमए किया है, उस हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी एक बुक पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए ताकि और बेटर हो सके। तो मैं इसीलिए एक बुक पढ़ती हूँ, और एनसीईआरटी तो ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका स्टैंडर्ड बुक ज़्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा इजी होता है।
तो आप जरूर से जरूर एनसीईआरटी पढ़े। मैं ये बात हर एक वीडियो में करती हूँ, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो 6 क्लास के एनसीईआरटी से शुरू करें, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको अपना अनुभव होता ही है कि हमें क्या करना है। अगर कोई गाइडलाइन है तो उन्हें ज़रूर आप, मतलब अपने घर में जो गाइडलाइन है या फिर आपके टीचर गाइडलाइन है तो उनसे आप संपर्क ज़रूर रखें, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होता है और ना ही इतना हार्ड होता है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर गाइडलाइन मिल जाए तो और ईजी लगने लगता है। तो मेरे गाइडलाइन तो मेरे हस्बैंड है, वही हमको मुझे गाइडलाइन करते हैं हमेशा। तो गाइस, अगर आप लोग को भी कुछ गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा स्टडी यहाँ पे ख़त्म हो गया था और मैं यहाँ पे जॉब से आ रही थी, तो मुझे एक समोसा का ठेला मिला, तो वहाँ पे गरम गरम समोसे मिल रहे थे, तो मैं लेकर आ गई और मैंने खाया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज के लिए इतना ही।